हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम एक और नई फार्मासिस्ट वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं जो कि एलोपैथी आयुर्वेदिक की होने वाली है। एंड अगर इसमें आप एलिजिबल कैंडिडेट हो तो आप इसके लिए अप्लाई जरूर करना। एंड ये वॉक इन इंटरव्यू आपके रहने वाली है, इसमें कोई एग्जाम नहीं रहने वाला, जो कि आपका निकलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑफिस ऑफ द एडिशनल ऑफ डायरेक्टर कंट्रोल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के तहत आपकी ये वैकेंसी निकली है। तो डिटेल में डिस्कस करेंगे इन दिस वीडियो में। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आने वाली वीडियो में हम और नई गवर्नमेंट एंड प्राइवेट वैकेंसी के बारे में बात करेंगे। एंड जो कि बी फार्म डी फार्म रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन आती है तो हम आपको प्रोवाइड करवाने की पूरी कोशिश करते हैं। तो प्लीज हमारे चैनल के साथ बने रहिए एंड बिना स्किप कीजिए इस वीडियो को जरूर देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, जो कि कैंडिडेट आर द इन्वॉल्व अपेयरिंग इन द वॉक इन इंटरव्यू शेड्यूल हेल्प फिल अप द वैकेंट पोस्ट ऑफ द फार्मासिस्ट एलोपैथी आयुर्वेदिक। आयुर्वेदिक का यहाँ पर आपको वॉक इन इंटरव्यू देना है। नेम ऑफ द पोस्ट आपको यहाँ पर दी हुई है फॉर फार्मासिस्ट की। एलोपैथी की 3 पोस्ट यहाँ पर दी हुई है, फार्मासिस्ट आयुर्वेदिक की 1 पोस्ट यहां पर दी हुई है, हेल्थ एंड एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की यहां पर 2 पोस्ट आपको दी हुई है। एज सिलेक्शन 64 साल से आप ऊपर नहीं होने चाहिए। एंड रिक्रूटमेंट ग्लो गिव बिलो पर मंथ एज पर गाइडेंस, क्या पे मिलने वाला है आपको। यहां पर बात करते हैं जो कि फार्मासिस्ट की एलोपैथी आयुर्वेदिक की आपकी ये वैकेंसी निकली है, जिसमें 25,000 आपका यहां पर 25,500 आपको पे दिया जाएगा। बट मिनिमम आपका यहां पर जो भी रहने वाला है, जो भी कट के आप पगार आने वाला है, 25,500 आपको यहां पर देने वाले हैं। एंड ड्यूरेशन फॉर द अपॉइंटमेंट कॉन्ट्रेक्चुअल, आप कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर आपकी वैकेंसी रहने वाली। पीरियड ऑफ 180 डेज की आपकी वैकेंसी। रेगुलर द अपॉइंटमेंट अपॉइंटमेंट एनएससी एज आपकी 65 ईयर से अबव नहीं होनी चाहिए। प्लेस द पोस्टिंग सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी प्लेस इन द एडी ऑफिस ऑफ द पॉली क्लिनिक एंड द वेलनेस सेंटर एट प्रयागराज में आपकी वैकेंसी निकली है। प्रिफरेंस शैल बी गिवन द कैंडिडेट बिलोंग टू द कंसर्न सिटी। अगर आप प्रयागराज के रहने वाले हो तो आपको पहले प्रिफरेंस दिया जाएगा। आपको कंप्यूटर की नॉलेज आनी चाहिए। एंड जो बात करते हैं इसमें वॉक इन इंटरव्यू जो रहने वाला है, इंटरेस्टेड एलिजिबल कैंडिडेट में अपियर इन द वॉक इन इंटरव्यू 20 अप्रैल 2023। याद रहे 11 बजे 20 अप्रैल 2023 को आपका वॉक इन इंटरव्यू रहने वाला है। दिए हुए एड्रेस पर एडिशनल डायरेक्टर CHSS सेकंड फ्लोर संगम पहले सिविल लाइंस प्रयागराज आपका यहां पर वॉक इन इंटरव्यू रहने वाला है। याद रहे इससे पहले पहले 20 अप्रैल 2000 पहले पहले अपने अपना सारा डॉक्यूमेंट एक जगह करने हैं, फाइल बनानी है। फाइल बनाने के बाद में इस दिए हुए एड्रेस पर पहुंच जाना है, अपना सारे डॉक्यूमेंट लेके। वॉक इन इंटरव्यू आपका 20 अप्रैल 11 बजे से स्टार्ट हो जाएगा इस दिए हुए एड्रेस पर। तो जल्द से जल्द जाकर अपना फॉर्म यहाँ पर सारे डॉक्यूमेंट एक जगह कीजिए एंड आप फाइल बनाकर इस एड्रेस पर चले जाइए। 20 अप्रैल 2023 से 11 बजे आपका वॉक इन इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएगा फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑफिस ऑफ द एडिशनल डायरेक्टर सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के तहत आपकी यहाँ पर पोस्ट लगने वाली है। कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर आपकी वैकेंसी है, तो ये मौका मत छोड़िए, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। फिर आप अपने CV रेज्यूम में ये ऐड कर सकते हैं, हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर वर्क किया है। तो आपका वहाँ पर इमेज बहुत इंक्रीज होगी एंड आपका जो वर्क ऑफ एक्सपीरियंस है वो भी इंक्रीज होगा। तो जल्द से जल्द जाकर अपना यहाँ पर इंटरव्यू दीजिए एंड यहाँ पर सिलेक्शन लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। आने वाले वीडियो में हम और नई गवर्नमेंट एंड प्राइवेट वैकेंसी के बारे में बात करेंगे, तो हमारे चैनल के साथ बने रहिए। शुक्रिया गाइस।